मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया लालू जी पर, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले से शेड्यूल्ड था कि आज जो है सजा सुनाया जाएगा और सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि जो भी न्यायालय का फैसला है उसका पालन होना चाहिए। और लालू जी लगातार शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा है वो आदेश को उन्होंने माना है। अब बात रही लालू जी की सज़ा को लेकर के, तो इसको लेकर के हमने पहले भी कहा कि ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज़ नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा, लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। अब 5वें मामले में सज़ा सुनाई गई है, सब में किसी में कुछ 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स जो इंस्टीट्यूशन हैं, उन लोग लगातार जो है एक मामले को उन्होंने स्प्लिट किया, केस मुकदमा एक ही है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, और 6 मामले अलग अलग बनाए गए, जो कि देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हम तो बोल रहे जब से आज़ादी हुई तब से ऐसा फैसला हुआ ही नहीं कभी, फिर भी हम लोग जो आदेश का पालन हम लोग करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आज़ादी से अब तक चारा घोटाला, हम कहते कि अब तो सज़ा हो गई, भूल जाइए, और घोटाले कौन कौन से हैं भाई, कितने घोटाले हुए देश में, अरे देश की छोड़िए बिहार में बताइए,